देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी कटियार। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी के हसनपुर में दो दिन पहले घर से निकले युवक का शव गन्ने के खेत में मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हसनपुर में दो दिन पहले घर से बुलाकर ले गए युवक को मारकर शव को गांव के ही ईख के खेत में डाल दिया। शव मिलने से सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। गांव के ही युवक कपिल पुत्र वीर सिंह के विरुद्ध अपहरण किए जाने का मामला लिखा गया था। शव खेत में पड़े होने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। पिता ने कोतवाली प्रभारी के पैरों में पड़कर न्याय की भीख मांगी। वहीं हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सबदलपुर सुमाली का रहने वाला युवक कपिल पुत्र रघुवीर अपने ही गांव के कैलाश जो मृतक है उसको दो दिन पहले कपिल पुत्र वीर सिंह अपने साथ बुलाकर ले गया था, लेकिन देर रात तक जब कैलाश अपने घर नहीं लौटा तब परिजनों को चिंता होने लगी और उसकी तलाश शुरू करने लगे, लेकिन कैलाश का कोई पता नहीं चला। तब कोतवाली हसनपुर में कैलाश के परिजनों ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि कैलाश को कपिल और उसका साथी अपने साथ लेकर गांव रंजोहिया में गए थे। मृतक कैलाश के पिता ने बताया कि रंजोहा में कपिल और उसके साथी ने शराब पीने के उपरांत कैलाश के साथ जमकर मारपीट भी की थी। एक कपिल नाम का जो व्यक्ति है, इससे करीबन शुरू से बात है। 7 महीने पहले हमारी हाथापाई हुई थी, मेरी और हम मेरे भाई की। लेकिन इनका कोई हाथ नहीं था, जिससे कोई हाथ नहीं था, जिसने इनका कोई हाथ नहीं था जी। उसके बाद में कपिल ने कई जगह मेरे पे दाव करना चाहा, लेकिन मैंने दाव नहीं दिया क्योंकि मैं कोई नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करता। और उसने हमारे भाई को शराब पिला करके जब हमारे भाई को वहाँ से उठाया है। क्या काम करते थे आपके भाई? हमारे भाई मजदूरी करते थे और हमारे गांव में दीपक नाम का लड़का है जाटों में, उसके घर मजदूरी कर रहे हैं। उसके शाम के टाइम बाजार के लिए उसके घर से पैसे लेने गए काम के, तो उसने पैसे दिए और कपिल से फ़ोन करके बताया कि कैलाश वहाँ गया और उसके दीपक की ही मर्जी से हमारे भाई वहाँ से उठे। थाना हसनपुर में एक युवक की लाश मिली है गन्ने खेत में, जिसमें कि कुछ संदिग्ध बताए जा रहे हैं घर वालों द्वारा। अभी इसमें पोस्टमार्टम करवा कर आगे कार्यवाही की जा रही है। जो भी घर वालों के आरोप होंगे, जो तहरीर होगी, उसके अनुसार मुकदमे में बढ़ोतरी कर कार्यवाही की जाएगी। अच्छा सर, अभी लाश भी रोकी गई थी बीच में, जो परिवार वालों ने कुछ विरोध किया था मुझे पता नहीं। रघुवीर सिंह, कल थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांव से परसों रात से मिसिंग है, तो आज उसकी यहाँ बॉडी मिली है। पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि इस खेत में बॉडी हो सकती है, हम लोग आए, हमें बॉडी मिल गई है। देखने से लग रहा है कि परसों रात की घटना हुई है, देखने से प्रथम दृष्टा लग रहा है। अब इन्होंने नामजद तहरीर दी है, उसके आधार पर कार्रवाई PM की कार्रवाई कराते हैं, फिर उसके बाद आगे पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या लोग गिरफ्तार हैं? अभी गिरफ्तारी कोई नहीं है, कपिल का नाम आया, कपिल के भाई ने नामजद की दी है, तो उसी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। और उसको लेकर मोटरसाइकिल से रजुआ गांव से सबदलपुर के जंगलों में लेकर गया था। बताया जा रहा है कि कपिल एक बदमाश किस्म का युवक है और गांव में कोई भी उसको अच्छा कहने को तैयार नहीं है। वहीं आए दिन वो अपने पिता के साथ भी मारपीट करता रहता है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सूत्रों द्वारा कपिल और उसके साथी द्वारा कैलाश के साथ मारपीट किए जाने की जब सूचना प्राप्त हुई, उससे पुलिस का संदेह और अधिक गहराता चला गया। पुलिस ने अपने सूत्रों को बिछाते हुए खोजबीन की। तब आज सुबह लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सबदलपुर के ही अजीत सिंह के खेत में शव पड़ा हुआ है। तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निशानदेही के आधार पर शव की बरामदगी की। वहीं परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों से जद्दोजहद करने और जूझते हुए भी दिखाई दिए। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दूर तक दुर्गंध आ रही। सीतापुर में सरकारी पशु अस्पताल सिर्फ दिखावे के लिए ही बना हुआ है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि अस्पताल बने लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन
अब यहाँ पर कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं आता। सीतापुर में ब्लॉक पहला के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरौली के ग्राम पंचायत सिरौली पूर्वा में सरकारी पशु अस्पताल तो बहुत दिनों से बना है, वहीं पर गांव के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले इस पशु अस्पताल में डॉक्टर भी आया करते थे और हर आदमी अपने बीमार जानवरों की दवा भी लेने जाया करते थे, लेकिन अब लगभग करीब 2 साल बीत रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सरकारी डॉक्टर नजर नहीं आ रहा। सरकारी डॉक्टर के न आने से अस्पताल के आसपास जंगल झाड़ियाँ उग रही हैं और अस्पताल से ग्राउंड में भी बहुत गंदगी फैली हुई है, जबकि वहीं पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक प्राइवेट डॉक्टर कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी फैली नजर आ रही है। अस्पताल के आसपास बरसात के पानी का जलभराव खूब है। अगर सरकारी डॉक्टर की तैनाती है तो वो डॉक्टर कहाँ है? अगर सरकारी पशु चिकित्सालय में सरकारी कर्मचारी की तैनाती होती तो शायद इतनी गंदगी ना फैलती। प्रशासन इसकी जांच कराए तभी ज्ञात होगा कि कौन डॉक्टर यहाँ पर तैनात है, जिससे हो सकता है कि अस्पताल में समय से बीमार जानवरों का इलाज भी होने लगेगा और अस्पताल की साफ सफाई एवं मरम्मत भी होने लगेगी। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ रेप किया। मुजफ्फरनगर से एक बेहद ही शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने ही अपनी 14 साल की बच्ची से रेप किया। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों से कलयुगी पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव उमरपुर में कलयुगी पिता ने अपनी ही 14 साल बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया। पिछले 6 महीनों से कलयुगी पिता तमंचे के बल पर अपनी ही बेटी की अस्मत लूटता रहा। पीड़ित बेटी की मां ने जब ये पूरी घटना देखी तो कलयुगी पति को धमकाया, लेकिन पति ने मुंह खोलने पर बेटी और मां दोनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित बेटी और मां बुढ़ाना कोतवाली पहुंची और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बेटी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव उमरपुर का है, जहां कलयुगी पिता इकबाल पुत्र बसीर ने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ पिता और बेटी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, कलयुगी पिता पिछले 6 महीनों से लगातार अपनी बेटी के साथ रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। जब भी पीड़ित बेटी इस घटना को अपने परिजनों को बताने के लिए जाती थी, तभी कलयुगी पिता बेटी को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था, जिस कारण पिता द्वारा धमकी से घबराकर बेटी किसी को कुछ नहीं कह पाती थी। जुबेदा। अच्छा जुबेदा जी, अस्पताल में आप आए हो, क्या मामला है, क्यों आए हो? मुझे लड़की के साथ में गलत काम हुआ। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था करने वाला? उनके बाप थे। अच्छा, लड़की के पिता थे। हाँ। अच्छा, क्या करता था वो, लगभग कितने दिनों से करता आ रहा है? क्या नाम? नरगिस। अच्छा नरगिस जी, अस्पताल पहुँचे हो, क्या मामला है? मेरे साथ में गलत काम हुआ। अच्छा, क्या धमकी देते थे, क्या बोलते थे हम आपको? अच्छा, फिर मतलब क्या करते थे, क्या बोलते थे आपको? लगभग कितने दिनों से आपके साथ करते आ रहे थे गलत काम? 6 महीने से। सर, एक लड़की ने अपने पिता पर आरोप लगाया बलात्कार का, क्या पूरा मामला है? एक महिला द्वारा इस आशय की तहरीर थाना बुढ़ाना पे दी गई है कि उसकी पुत्री के साथ उसके पति के द्वारा बलात्संग जैसा अपराध कारित किया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पूरे प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई है पूरी अमल में लाई जा रही है, साक्ष्य के आधार पर पूरी कार्रवाई संपादित की। आरोपी गिरफ्तार हुआ है या क्या कंडीशन? नहीं, अभी गिरफ्तार। आरोपी फरार है, साक्ष्य के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बुधवार की रात किसी तरह पीड़ित बेटी की मां ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली। वहीं बेटी की मां ने इस पूरे मामले में घर में पूरा विरोध किया, जिसके बाद बेटी और मां को कलयुगी पिता ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी।
लेकिन समय मिलते ही अपनी माँ के साथ पीड़ित नाबालिग बेटी बुढ़ाना कोतवाली पहुंची, जहां उसने पुलिस से कलियोगी पिता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की मां की तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में कलियोगी पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और नाबालिग पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता साजन सैनी की रिपोर्ट। सीतापुर में सड़क पर लगे सूखे पेड़ अब राहगीरों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कोई भी कर्मचारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में सिंधौली रोड महमूदाबाद पर जनता ईंट उद्योग सिरौली पुरवा से लेकर क्षेत्रीय वन कार्यालय सिंधौली महमूदाबाद रोड तक बहुत जगहों पर सूखे पेड़ लगे हैं और कुछ पेड़ तो अब रोड पर भी झुकने लगे हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। नजर पड़ने के बावजूद भी नजर को बेनजर बना रहे हैं, क्योंकि पेड़ रोड के किनारे लगे हुए हैं, वो पेड़ रोड पर झुक गए हैं और राहगीर जब रोड पर निकलते हैं तो इन पेड़ों को देखकर डर जाते हैं। जैसे एक साइकिल सवार सिंधौली की ओर से महमूदाबाद जा रहा था और एक ट्रक महमूदाबाद से सिंधौली की ओर जा रहा था कि अचानक बराबर पहुंचने पर जब ट्रक के ऊपर हिस्से में एक बबूल के पेड़ की डाली ट्रक में फंस गई और साइकिल सवार के ऊपर गिरने से साइकिल सवार बाल बाल बच गया। फिर साइकिल सवार ने साइकिल से उतरकर रोड के किनारे पैदल पैदल निकलकर महमूदाबाद की ओर गया। उसी समय मीडिया की टीम महमूदाबाद से सिंधौली की ओर जा रही थी तो उक्त प्रकरण पर नजर पड़ी तो देखा कि रोड पर निकलना बड़ा कठिन ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं रोड पर निकलते समय ऊपर ही पेड़ तो गिर ना जाए। जबकि मीडिया टीम ने एक बार उक्त खबर को चैनल पर चला भी चुकी है और वन विभाग के अधिकारियों की क्या नजर चलने वाली खबर पर नहीं पड़ी होगी। सिंधौली से महमूदाबाद रोड तो मेन रोड है, अगर किसी समय अचानक मौसम खराब हो जाए और तेज हवा आंधी तूफान चलने से हो सकता है कि रोड पर लटके पेड़ राहगीरों की मौत पर अटक जाएं। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में एक जिम में एक युवक और युवती के शव खून से लथपथ मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर जमावड़ा लग गया। नगर की शहर कोतवाली क्षेत्र की अंबा विहार कॉलोनी में एक लेडीज जिम में एक युवक और युवती के खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ का जमावड़ा लग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर एक चीज की बारीकी से जांच कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं युवक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और युवती के परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मेरे भाई का मर्डर करते हैं, रात इन्होंने बुला के सुबह ये बोल ले सुबह इन्होंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने दोनों ने जहर खा लिया, मगर रात बुला लिया, जहर खा लिया, वो जहर निकाल रखा इन्होंने तो मर्डर कर रखा जी। किसने किया, क्या हुआ? ऐसी गोली मार रखी जी यहाँ से और काट पे रखा उसे तबल साट रखा। किसने? इन्होंने जी जिनकी इसके भाई बदमाश है बुरा जी गाँव में से बुलाया मेरे मम्मी को फोन करके। अच्छा, पूरी रात गायब रहे, सुबह फोन आयन करके जहर खा लिया तुम्हारे भाई। सुबह तो यहाँ आके क्या देखा? यहाँ आके देखा गोली मार रखी इनके इनके कमरे में, अंदर बंद पड़े और दोनों के अंदर कर रखा, बिल्कुल दोनों को मार दिया। घटना स्थल से धारदार हथियार और दो तमंचे भी बरामद किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र की अंबा विहार कॉलोनी का है, जहां एक मकान के ऊपर बने लेडीज जिम में एक प्रेमी युगल के खून से लथपथ शव मिले। शव के पास से दो देशी तमंचे और धारदार हथियार भी मिले हैं, जिससे लग रहा है कि प्रेमी युगल को धारदार हथियार से काटने के बाद गोली मारकर हत्या की गई हो। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के भैंसी गांव की रहने वाली वसीम और शहर कोतवाली क्षेत्र की अंबा विहार की रहने वाली एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते कुछ समय पहले चोरी छिपे कोर्ट मैरिज की थी। मृतक युवती अपने घर में ही ऊपर बने लेडीज जिम को चलाती थी। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि डायल 100 को सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने देखा कि एक मकान के ऊपर बने जिम के कमरे से एक युवक युवती के खून से लथपथ शव मिले हैं। कमरा अंदर से बंद था। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि जैसे धारदार हथियार से वार कर गोली मारकर हत्या की गई हो। घटनास्थल से पुलिस ने दो देशी तमंचे भी बरामद किए हैं।
डायल 100 को सूचना मिली थी कि घर में एक लड़का लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ आके सभी थाने की पुलिस आई, सीओ साहब आए, सभी अधिकारी आए हैं। तो ऊपर एक कमरे में दो एक लड़के और लड़की की, जो तथाकथित रूप से बताया जाता है कि उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी, शव पड़े हुए थे जो खून में लथपथ थे क्योंकि कमरे के अंदर थे। और अभी जो प्रथम दृष्टा लग रहा है, लोगों से यहाँ बताया है, क्योंकि एक पक्ष अभी आया है, लड़की पक्ष यहाँ पहले से मौजूद था, उसकी दरवाजे की कुंडी उंडी तोड़ कर उन्हें निकाला गया है। जिस पक्ष को भी जो कहना है उनसे बताया गया है कि लिख के दें, और दोनों शवों को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किस तरह से हत्या की गई है सर, क्या आशंका जताई जा रही है? इसमें धारदार हथियार का और एक कंटीमेट दो कंटीमेट पिस्टल भी वहाँ पे मिले हैं, इनका इस्तेमाल हुआ है। बाकी बहुत सी चीज़ें पीएम से क्लियर होंगी इसका, बाकी क्योंकि यहाँ पे भी भीड़ बहुत है, धीरे धीरे इसमें तफ्तीश होगी तो और ज्यादा जानकारी मिलेगी। वहीं इस मामले में मृतक प्रेमी वसीम के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और प्रेमिका के परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया। बहरहाल पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता साजन सैनी की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ।